हेलो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑटोफिल एक्शन के बारे में। यानी कि काफ़ी लोगों के एक रिक्वेस्ट आए हैं कमेंट बॉक्स में कि फोटोशॉप 2020 में या 2021 में अपन जो ऑटोफिल का जो एक्शन हमने बना रखा है वो कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा से मैं उस एक्शन को क्रिएट करना बता देता हूँ, जिससे कि आप एल्बम डिज़ाइनिंग बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स कि ये देखिए, ये कुछ से जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक पी आपको एक पीएचडी बैकग्राउंड ओपन करना है। कोई भी एक बार आपको एक पीएचडी बैकग्राउंड ओपन करना, कोई भी आपको जो अच्छा लगे। तो ये कुछ पीएचडी बैकग्राउंड है हमारे पास में, इसमें से मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन सा पीएचडी बैकग्राउंड ओपन करूँ। तो मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स ये वाला पीएचडी। ठीक है, ये वाला पीएचडी बैकग्राउंड मैंने अपने डेस्क में ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेयर पैनल ओपन करूँगा। लेयर पैनल ओपन कर लिया, उसके बाद में सबसे पहले आपको एक्शन बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं। सिर्फ एक्शन बनाने के बाद में देखिए कि एक मिनट में एक शीट हम आराम से क्रिएट कर लेंगे। एक मिनट भी नहीं लगेगा हमें एक शीट तैयार करने में, मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। एक्शन क्रिएट करने का फॉर्मूला मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक पीएचडी बैकग्राउंड ओपन किया हमने। ठीक है, पीएचडी बैकग्राउंड ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि किसी भी एक लेयर पे आपको, जैसे ये लेयर है, कोई भी एक लेयर जो आपको अच्छा लगे, इस लेयर पे या फिर इस लेयर पे, एक पे आपको क्लिक करके रखना है। जैसे इस लेयर पे मैंने क्लिक कर लिया है, अभी एक्शन ओपन नहीं किया हमने, इसको इसके ऊपर क्लिक कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है, एक फोटो भी ओपन करना है। तो जैसे मान लीजिए कि एक फोटो मैं ओपन कर लेता हूँ, कोई भी फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ मैं एक के, जैसे ये वाला फोटोग्राफ्स मैंने ओपन कर लिया है फोटोशॉप में। ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ्स मैंने फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। अब हमारी एक्शन क्रिएट होगी। एक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, विंडो में गए, एक्शन क्लिक किया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्शन आपके हैं उनको तो मैंने डिलीट कर दिया, कि नई एक्शन मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे। F2, एक्शन का नाम आपको कोई रखना है तो रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑटो फिल इमेज। ऑटो फिल इमेज मैंने क्रिएट कर लिया है। ओके, ठीक है, ये देखिए ऑटो फिलिंग इमेज। ओके, एक्शन स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है कि फाइल में जाना है, इस फाइल को सेव एज कर देना है। सेव एज किया हमने, अब इसको आपको लोकेशन, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन देनी है। कहीं पे भी दीजिए आप इसको। तो मैं इसको डी ड्राइव के अंदर कोई भी नाम दे सकते हो, मैं डी ड्राइव के अंदर इसको 01A मैंने दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। एक्शन स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसको कंट्रोल W यानी कि यहां से क्लोज कर दिया, इमेज क्लोज हो गई। अब देखिए कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, ऑलरेडी इस पे सेलेक्ट था, सेलेक्ट नहीं करना है। ये देखिए रेक्टेंगल 3 पे हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था, इसको क्या करना है, कंट्रोल J यानी इसका डुप्लीकेट करना है। कंट्रोल J किया, ये देखिए यहाँ पे इसका लेयर डुप्लीकेट हो गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, लेयर में जाना है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है। इसको क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देखिए ये कन्वर्ट हो गया है। अब इसको क्या करना है, वापस से लेयर में जाना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जाना है, एडिट कंटेंट्स में जाना है। एडिट कंटेंट्स में गए, ये फाइल आपकी ओपन हो गई। अब क्या करना है कि फाइल में जाना है। ठीक है, फाइल में जाके आपको क्या करना है, पैलेस लिंक्ड क्लिक किया, पैलेस लिंक्ड पे क्लिक किया। CS3 के अंदर ओनली पैलेस लिखाएगा,
और जो 01 हमने दिया था 01A वो फाइल देखिए ये है, यहां पर क्लिक किया, पहले एस कर दिया, ये फाइल यहां पे आ गई, एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद में इसको क्या करेंगे, फाइल क्लोज क्लोज कर दिया, और इसको क्लोज करेंगे तो इसको यस करना है, यस कर दिया हमने। ये जो फाइल जहां पे थी वहां पे ऑटोमेटिक चली गई है। अब इसको क्या करना है कि राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप मास्क करना है, ठीक है, और उसके बाद में लेयर पे जाके और इसको लेयर पैनल कर देना है, ठीक है, लेयर में मैंने कन्वर्ट कर। अब इसको स्टॉप कर देंगे, क्लिक किया स्टॉप। अब देखिए ये हमने एक्शन क्रिएट की है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूं और इसको भी क्लोज कर देता हूं, F2 प्रेस करूंगा ओनली मैं। देखिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे इसको छोटा कर देता हूं, ये ठीक है, या तो F2 या प्ले। अब जैसे मुझे इसमें फोटो लगानी है, इसमें मैंने क्लिक किया, इसमें क्लिक किया, सीधा मुझे ये वाला फोटो लगाना है, सीधा फोटोशॉप में लाया, यहां पे छोड़ दिया, F2 प्रेस करूंगा सीधा, F2 मैंने प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी फोटो कॉपी पेस्ट सब कुछ आपका हो जाएगा, यहां पे लग गया। इस पे क्लिक किया हमने, इस पे मुझे फोटो चाहिए ये वाला, उठाया यहां पे लगाया, F2 प्रेस किया मैंने, सीधा एक्शन प्ले हो गया। ठीक है, फेदर की डिजाइन फेदर में हो जाएगी, जैसे ये वाली है, इसको मैंने क्लिक किया, फेदर हमने लगाएंगे, जैसे ये वाला फेदर, इसमें फेदर की डिजाइन, जैसे मान लो ये वाली डिजाइन ही मान लीजिए आप, ये वाली डिजाइन मैंने ओपन किया, या फिर ये क्लिक किया यहां पे, F2 कर दीजिए, या फिर यहां से प्ले कर दीजिए, प्ले किया मैंने, ये आपका फेदर के अंदर डिजाइन देखिए लग गया, उसी डिजाइन के अंदर आपका फेदर में लग गया। अब इसको और दूसरी चीज को कंट्रोल टी करके आप कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फेदर में आपकी डिजाइन नहीं लगेगी, ये डिजाइन आपकी क्रिएट होगी। यहां पे लगाना है मुझे, ये वर्टिकल है, वर्टिकल पे जैसे मुझे इमेज लगानी है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला इमेज लगाना है, उठाया फोटोशॉप में किया, एक मिनट भी आपको एक डिजाइन बनाने में नहीं लगेगा, पूरा मैन्युअली खेल है ये। और ये एक्शन आप क्रिएट करके बहुत ही यूनिक एल्बम बना सकते हैं, हर प्रकार की PhD के अंदर ये काम करेगा। कंट्रोल टी की आपको बड़ा करना है, इसको बड़ा कर दीजिए, ये देखिए जैसे आपको इसको कंपोज करना है वैसे कंपोज भी आप इसको कर सकते हो। देखिए इस पे क्लिक किया, अब ये फेदर का काम आ गया, तो फेदर में जैसे मान लीजिए कि मैं ये वाला इमेज लिया, मैंने ओपन किया सीधा फोटोशॉप में, सिस्टम के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना फास्ट है। ये देखिए ये फेदर के अंदर आपकी डिजाइन के अंदर लग गया है, देखिए फेदर वर्क भी आ गया कंट्रोल टी करके, और आपको अगर कंपोज करना है तो आप कंपोज भी कर सकते हो इसको। ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये एक्शन कोई किसी भी सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिक वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सबको ये मुंह तोड़ जवाब देगी ये वाली एक्शन। आप पूरा मैन्युअली वर्क कर सकते हो किसी भी तरीके से, इसमें ये नहीं है कि फोटोशॉप में आपको ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा, नहीं, सिर्फ पूरा मैन्युअली वर्क है, सिर्फ आपकी जो कमांड है, आपने किसी फोटो को कंट्रोल कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, आप कहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हो। सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कहीं की फोटो कहीं पर भी लग जाती है, आपको जैसे मान लीजिए इसमें फोटो लगानी है, इसमें मुझे ये वाला फोटो लगाना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला फोटो लगाना है इसमें, तो आप यही इसी में ही जाएगी ये फोटो, इसी बॉक्स में जाएगी, जिस बॉक्स को सेलेक्ट करोगे उसी में फोटो आपकी फिल होगी। ये देखिए कंपोज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मल्टी टैलेंट वीडियो ने यह एक्शन बहुत पहले भी क्रिएट किया था मैंने, और काफी लोगों ने यही कहा था कि सर CC 2020 में और 2021 में यह एक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, तो क्रिएट करने का तरीका मैंने 21 में भी बता दिया है और 2020 में भी बता दिया। आप फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में आप कर सकते हो, CS3 से लेके और अब तक जो भी वर्जन आ रहे हैं उस पर किसी में भी ये एक्शन आप क्रिएट कर सकते हो। PhD बैकग्राउंड के लिए काफ़ी टाइम से मैं आपको बता रखा है कि मेरे पास इस टाइप के PhD बैकग्राउंड हैं, आप अगर परचेज करना चाहें तो PhD बैकग्राउंड आप मेरे से परचेज कर सकते हो।
हमारे व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फोटोशॉप के रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, लाइफ टाइम हम आपकी गाइड बन के रहेंगे और हम आपको बताएंगे, हेल्प करेंगे। ऑनलाइन किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी तो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।